प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच हुई वर्चुअल समिट, दोनों देशों के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी समेत हुए 7 समझौते। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, गुजरात में 2 विधायकों का इस्तीफा, करजन विधायक अक्षय पटेल और कपराडा के विधायक जीतू चौधरी ने दिया इस्तीफा। केंद्र सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े 960 विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा पर 10 साल के लिए लगाया प्रतिबंध, सभी पर कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ाने का आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर किया हमला, एक नागरिक हुआ घायल, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। देश भर में बड़ा कोरोना का आंकड़ा, संक्रमितों की संख्या हुई 217,967 के पार, 104,371 लोग हुए डिस्चार्ज, 6,093 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में, मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज से बातचीत के दौरान राहुल ने कहा कि नाकाम लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए, कठोर लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। राहुल गांधी और राजीव बजाज के बीच देश के माहौल पर भी बातचीत हुई। इस दौरान राहुल ने कहा कि ये काफी अजीब है, मुझे नहीं लगता किसी ने कल्पना की थी कि दुनिया को इस तरह से बंद कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि विश्व युद्ध के दौरान भी दुनिया बंद थी, तब भी चीजें खुली थी, ये एक अनोखी और विनाशकारी घटना है। तो वही उद्योगपति राजीव बजाज ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के संदर्भ में भारत ने पश्चिमी देशों की ओर देखा और कठिन लॉकडाउन लगाने का प्रयास किया, जिससे ना तो संक्रमण का प्रसार रुका बल्कि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। तो वही उद्योग धंधों पर जहां कोरोना की मार पड़ी है, तो वही नरेगा योजना के फिर से शुरू होने से मजदूरों को काम मिला है। नरेगा योजना पर राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले ही प्रदेश नरेगा के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रहा था। नरेगा योजना के लिए लोगों के लिए एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये संजीवनी साबित हुई है। प्रदेश में 46 लाख लोग वर्तमान में नरेगा के तहत रोजगार पा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता लोकेश नागर ने। शौर्य और पराक्रम की धरती राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमण की लड़ाई बड़ी साहस के साथ लड़ी जा रही है। हमारे साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी हैं, जिनसे जानना चाहते हैं राजस्थान में सरकार द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए किस तरह के काम किए गए और अभी ताजा मामले भरतपुर से सामने आए। पूर्व में देखा गया था भीलवाड़ा में इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, अब यही तस्वीर भरतपुर से नजर आ रही है, तो सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है उसके बारे में जानकारी। ये बात सही है कि लॉकडाउन अब खत्म हो रहा है और संक्रमण भी बढ़ रहा है, इसलिए इन दिनों में हम सबको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। इन्फेक्शन के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो रिकवरी रेट है वो हमारा राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उतने लोग ठीक भी होकर जा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है और पर्याप्त मेडिकल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल के बिस्तर, वेंटिलेटर सरकार ने इंतजाम किया हुआ है, लेकिन संक्रमण गांव तक ना फैले ये हमारी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी तक शहर तक सीमित है, गांव में अगर फैलेगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने पूरी क्वारंटाइन की फैसिलिटी बना रखी है, टीम्स लगी हुई हैं, प्रशासन, हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी लोग, कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉयज, पूरा प्रशासन इस कोशिश में लगा है कि लोग क्वारंटाइन रहें और जो प्रवासी बाहर से आए राजस्थान उन लोगों को अलग रखा जाए ताकि इन्फेक्शन जो फैलने का डर है वो सच्चाई में ना तब्दील हो जाए, इसलिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। अब इन्फेक्शन बढ़े हैं भरतपुर में, एकदम से उछाल आया है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं कि इन्फेक्टेड लोगों को ट्रीट करें। जैसा मैंने कहा, जो लोग पहले पॉजिटिव आए थे उसमें से काफ़ी लोग अब नेगेटिव भी टेस्ट हो रहे हैं। सर, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में इस महामारी के दौरान रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। राजस्थान में नरेगा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम हुआ है, 45 लाख से ज़्यादा मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं और देखा गया वहाँ संक्रमण की रोकथाम के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। व्यापारियों में और उद्योग धंधों में अभी मजदूरों को लेकर बड़ी किल्लत है, किस तरह के उपाय वहाँ किए गए और किस तरह
पूरी प्रक्रिया को तैयार किया गया, किस सोच के साथ ये काम किया? 17 अप्रैल को मैंने पहली मीटिंग ली थी, उस समय राजस्थान में 60,000 लोग रोजगार पा रहे थे नरेगा से, और मुझे दिख रहा था कि जब फैक्ट्रियां बंद होंगी, कारखाने बंद होंगे, छटनी होगी, लोग बेरोजगार होंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ये एक सुरक्षा कवच हमारे पास था, और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज सुबह 46 लाख से ज़्यादा लोग नरेगा में रोजगार पा रहे हैं। ये सब लोगों ने रुचि दिखाई, हमने फोकस किया, डेली मॉनिटरिंग करी है, और नरेगा में काम करने वाली जो किट है लोगों के पास, उसमें हमने साबुन रखा, मास्क रखे, सैनिटाइजर्स रखे, ग्लव्स रखे, और उचित दूरी पर काम करने का एहतियात लोगों को हमने निर्देशित किया था। इसलिए संक्रमण रोकने के लिए भी नरेगा के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। ये रोजगार जो है ये लोगों के व्यक्तिगत कामों में ज्यादा जा रहा है, तो अपने खेत में जो काम कर रहा है उसको भी रोजगार मिल रहा है, उसको भुगतान भी हो रहा है, उसका काम भी हो रहा है। शौचालय का निर्माण है, घर का निर्माण है, 83% काम जो नरेगा में हो रहे हैं वो इंडिविजुअल वर्क्स हो रहे हैं, तो लोग रुचि लेके काम कर रहे हैं। ऐसे मौके पर जब और कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, लोग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो बाहर से राजस्थान वापस आए हैं, उन लोगों ने हमने जॉब कार्ड बनाए हैं, उनको काम करने का मौका मिला है, और जो अनस्किल्ड है वो नरेगा में काम कर रहे हैं, जो स्किल्ड लेबर है उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना रहे हैं। जो व्यक्ति महाराष्ट्र में किसी कार उद्योग में काम कर रहा था, आज वो नौकरी से बाहर हो गया, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है उसको इन स्किल्ड लेबर के साथ हम मैच करें, ताकि लोग पर्याप्त रोजगार मिल सके। रोजगार की दिक्कत आएगी, लेकिन हमारी सोच ये है कि किसी को हम खाली नहीं बैठने दें, तो सरकार पूरी ताकत के साथ लोगों को रोजगार ढूंढवाने में और भुगतान करने में अपनी पूरी ताकत हम लगा रहे हैं। मंदी के समय मुझे लगता है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, और केंद्र सरकार ने जो घोषणाएं करी हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए काम प्रदेशों में होगा, ये संज्ञान में लाना पड़ेगा केंद्र सरकार को। अभी जो घोषणाएं करी हैं वो लोन की करी है, स्टिमुलस पैकेज की करी है, लेकिन गरीब के हाथ पैसा नहीं दिया है। हमारी मांग है कि हर खाते में गरीबों को 10,000 रुपये दें एक बार, ताकि लोग खरीदारी करेंगे। गरीब आदमी खरीदारी करेगा तभी डिमांड बढ़ेगी, तभी हमारी गाड़ी पटरी पर दोबारा बैठेगी। सर, पूर्व में नरेगा में देखा गया था केंद्र सरकार से बजट की बड़ी दिक्कत होती थी, वहीं दूसरी ओर अभी आपने कार्य दिवस बढ़ाने की भी बात की, 200 दिन नरेगा में कार्य दिवस करने की मांग की, किस तरह की मांग थी और क्या पूरा? मांग करिए कि 100 की जगह 200 दिन करा जाए, और जो काम करने का समय है मैंने कम किया है, 6 से 1 कर दिया है, लेकिन फिर भी कई जिलों में बहुत भीषण गर्मी है और आने वाले दिन में और गर्मी आ सकती है। सरकार से कहा है कि इसको अगर कम कर सकें तो उस पर हमको परमिशन दें, और भुगतान के लिए जो बजट है उसको और बढ़ाएं। बल्कि मैं तो चाहता हूं जो शहर में बेरोजगार हैं उनके लिए भी नरेगा के पैटर्न पे एक योजना बननी चाहिए। जो शहरों में लोग रह रहे हैं, बेरोजगार हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए भी सरकार को कोई नरेगा के पैटर्न पे एक स्कीम बनानी चाहिए। हर देश में लोगों को पैसा दिया गया है ताकि लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें, लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल अभी तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इस काम को वो करें। घोषणाएं करने से लोगों का पेट नहीं भरेगा, उनको तो पैसा चाहिए खातों में, वो केंद्र सरकार ने अभी तक किया नहीं है। सर, प्रदेश में विपक्ष द्वारा कभी पूरे लॉकडाउन के समय बिल्कुल शांति नजर आ रही थी, राजनीतिक हलचलें, बयानबाजी सब बंद थी। अब जैसे ही राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया एक बार दोबारा शुरू हुई है, तो अभी एक ताजा मामला पोस्टर वाला आया, पूर्व मुख्यमंत्री जी का लापता का पोस्टर लगा है, तमाम तरह की बयानबाजी आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की किस तरह की तैयारी? चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, संख्या बल पर्याप्त है कांग्रेस पार्टी के पास, और मुझे लगता है जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा बहुमत हमको मिलेगा। बीजेपी ने चुनाव करवाने के लिए उम्मीदवार एक्स्ट्रा खड़ा किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो भी इस बात को जानते हैं कि संख्या बल बीजेपी के पास पर्याप्त है नहीं, तो कोई दिक्कत चुनाव में आने वाली नहीं है। जहाँ तक बयानबाजी की बात है, ये समय नहीं था हम उंगली उठाएं, आरोप प्रत्यारोप करें, क्योंकि देश देखता है कि नेतृत्व हमारा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो एक उदारता, एक बड़प्पन और एक जनता के प्रति सद्भावना रखकर काम करने की ज़रूरत थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो राजनीतिक हमारी बोलचाल है, जो हम लोग पॉलिटिक्स में कहते हैं बोलते हैं, उसमें एक स्वच्छता है। लोग आपस में अच्छा व्यवहार, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उचित राजनीति करना या गलत शब्दों का प्रयोग करना, वो मैं समझता हूँ गलत उदाहरण पेश होता है नई जनरेशन के सामने, तो उससे हमें बचना चाहिए। सर, पंचायत राज चुनाव के 2 चरण बाकी हैं, लोगों को बड़ी शिद्दत से उसका इंतजार है, ग्रामीण इकाइयों में शुरू से इसका पक्षधार था, लेकिन बीच में कोरोना का प्रकरण चल गया, तो हमारा विभाग सरकार पूरी तरह तैयार है, निर्वाचन आयोग जब चाहेगा चुनाव करा ले। मैं समझता हूँ बहुत जल्द चुनाव हो जाने चाहिए, संभवतः जुलाई या अगस्त के महीने में जो शेष पंचायतें हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, उसका चुनाव हो, ताकि जो जड़ें हैं लोकतंत्र की वो और मजबूत स्थान में हो।
तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी, जिन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में नरेगा संजीवनी बनकर उभरी है और पूरे प्रदेश में नरेगा के द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं सावधानी की सारी जो संसाधन है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। सहयोगी लव कुमार के साथ लोकेश नागर, न्यूज इंडिया, जयपुर। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान के युवा और खेल मंत्री अशोक चांदना ने लॉकडाउन में प्रदेश भर के खिलाड़ियों को फिटनेस का एक गुरु मंत्र दिया। मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते खिलाड़ी मैदान पर जाकर फिटनेस पर काम नहीं कर पा रहे, लेकिन घर पर रहकर भी वो अपनी फिटनेस को सुधार सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता लोकेश नागर ने मंत्री चांदना से की खास बातचीत। हमारे साथ इस समय प्रदेश के खेल मंत्री जी मौजूद हैं, जिनसे जानना चाहेंगे युवा इस समय जो युवाओं के खेल की गतिविधियां थी तमाम इस समय रुकी हुई हैं, प्रदेश के युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं मंत्री महोदय? देखिए, खेलों के अंदर कई प्रकार की तैयारियां होती हैं। हर खिलाड़ी कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करता है और कॉम्पिटिशन में मेडल मारने के लिए तैयारी करता है। ठीक है, कोरोना में लॉकडाउन हो गया, फील्ड में जा नहीं सकते, गेम को खेल नहीं सकते, कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते, लेकिन इसके अलावा माइंड बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग, को इंजरी है उसको रिपेयर करना, जो आपका स्पोर्ट्स है उसकी मसल को ट्रेन करना, ऐसी बहुत सारे काम है जो घर बैठे हो सकते हैं। माइंड बैलेंस, बॉडी बैलेंस, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज हैं वो घर पर कर सकते हैं, जो आपकी मसल्स हैं स्पोर्ट्स की उनको आप इंडिविजुअली ट्रेन कर सकते हो, आपका कोई इंजरी हो रखी है उसको आप रेस्ट देकर रिपेयर कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि कोरोना के समय में जो लॉकडाउन हुआ है, जिन लोगों ने इसका सदुपयोग किया है, इसका ये कोई हताशा का समय नहीं है, इसमें बल्कि रुककर सोचकर और नई दिशा से फिर से आगे बढ़ने के लिए, नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए इसने पर्याप्त हमें समय मिला है और सब खिलाड़ी भी मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने अच्छा अपना इम्प्रूवमेंट किया होगा। लॉकडाउन में घर रुकने की एक बात कही गई थी, फिटनेस खराब होती है ज़्यादा आराम से, आप खुद फिटनेस पर काफ़ी ध्यान देते हैं, खेलों से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह का एक मंत्र राजस्थान के युवाओं को जो फिटनेस बरकरार रखी जाए? देखिए, मैं भी घर में था, मैंने 7 किलो वजन लूज कर लिया। ऐसा नहीं है कि केवल फील्ड पर जाकर ही कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपकी दिनचर्या बदलने से भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें खान पान का ध्यान देने से भी फिटनेस सुधर सकती है, और कमरे के अंदर भी बैलेंसिंग बॉडी वेट की जो एक्सरसाइजेज हैं, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, अगर सोशल मीडिया पर, मीडिया पर, इंटरनेट पर जाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने दे रखी है क्लासेस दे रखी हैं, जो अपनी एक्सरसाइज का शेड्यूल बताते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फील्ड पर जाने से बॉडी खराब, फील्ड पर नहीं जाने से बॉडी खराब होती है, घर में रहकर भी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर फिटनेस हो सकती है। और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स की आप देखेंगे सोशल मीडिया, मैंने उनकी देखी, और जो इंटरेस्ट स्पोर्ट्समैन हैं उन्होंने वो निरंतर एक्सरसाइज करते रहे, किसी ने अपनी फिटनेस ख़राब नहीं होने दी। हमारे ऊपर है कि जो हमें समय लॉकडाउन के रूप में मिला, जो हमें समय बाहर जाने से रुका, उसको हम कैसे सदुपयोग करें। तो ये थे हमारे साथ खेल मंत्री अशोक चांदना जी, जिन्होंने कहा कि घर पर रहकर भी अपनी फिटनेस को सुधारा जा सकता है और ये समय किसी भी तरह घबराने वाला नहीं है। राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनको खेल मंत्री जी द्वारा संदेश दिया गया कि घर रहकर भी आप अपनी फिटनेस को सुधार सकते हैं, अपने खेलों पर काम कर सकते हैं और आने वाला जो समय है वो निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए बेहतर होगा। सहयोगी लव कुमार के साथ लोकेश कुमार, न्यूज इंडिया, जयपुर। वहीं देशभर के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अब तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद से सचिवालय में कर्मचारियों ने खुद को 3 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था। तो वहीं सचिवालय प्रशासन विभाग के कड़े रुख के बाद अधिकांश कर्मचारी अब काम पर वापस लौट आए हैं, जिसका जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने। पहले प्रशासन विभाग के कड़े रुख के बाद अब अधिकांश कर्मचारी अपने काम पर वापस लौटने लगे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद से सभी कर्मचारी 3 दिन की छुट्टी पर चले गए थे। वहीं सचिवालय संघ ने सभी कर्मचारियों से ये अपील भी करी थी कि वो 3 दिन के लिए अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर ले, जिसके बाद से सभी कर्मचारियों ने अपने आप को 3 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया।
वहीं तीन दिन बाद आज सभी अधिकांश कर्मचारी सचिवालय वापस आए हैं और जो काम करने की गतिविधियां हैं वो वापस पटरी पर लौटने लगी हैं। इस वक्त हम मौजूद भी सचिवालय में हैं, आप देख भी सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में गाड़ियों को देख सकते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो अधिकांश कर्मचारी हैं वो वापस अपने काम पर लौट चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विभाग की, उनके अनुभाग को भी आज खोला गया है। उनके कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद से सतपाल महाराज के जो विभाग हैं उनको 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से आज जो उनके अनुभाग है उनको खोला गया है और उनके अनुभाग भी के जो कर्मचारी है वो भी आज 48 घंटे बाद वापस अपने काम पर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो काम की जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार अब पटरी पर लौटने लगी हैं। वहीं अगर हम बात करें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है वो 50% आज अपने काम पर वापस लौटने लगे हैं। साफ तौर पर देख भी सकते हैं आप तस्वीरों में, गाड़ियों के से अनुमान भी आप लगा सकते हैं। लगातार कर्मचारी अब वापस अपने काम पर आ रहे हैं, गतिविधियां वापस पटरी पर लौटने लगी हैं, शेष कामों को जल्द से जल्द निपटाया भी जा रहा है। वहीं जो महत्वपूर्ण कार्य हैं और जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनसे हटकर जो बैठकें हैं उनको लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। उनके आगामी जो भी बैठकें होनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से लापरवाही भी थी वो भी लापरवाही ना बरतते हुए काफ़ी सख्ती से पेश आया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो एक बार गेट पर दिखाएं, गेट पर जो भी इस समय आ रहा है, जो भी कर्मचारी अंदर आ रहा है, जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है, लगातार उसकी स्क्रीनिंग से उसका सैनिटाइज करके तभी वो अंदर आ रहा है। बिना सैनिटाइज किए या बिना चेकिंग के वो बिना थर्मल स्क्रीनिंग की चेकिंग के वो अंदर नहीं आया जा रहा है। तो किसी भी तरह की लापरवाही यहाँ पर नहीं बरती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश में लगातार जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जो सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारी है, हाल ही में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद से कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर का माहौल है। लेकिन जो सचिवालय प्रशासन विभाग के कड़े रुख के बाद अब सचिवालय में काम करने वाले सभी कर्मचारी अपने काम पर वापस आ रहे हैं और जो गतिविधियां हैं वो लगातार अब पटरी पर आती जा रही है। कैमरामैन रिंकू के साथ अशोक कुमार, न्यूज इंडिया, देहरादून। तो वही खटीमा के नगरा तराई गांव में शारदा नहर पर पीचिंग और तटबंध का उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से करवाया जा रहा है। तो वहीं इस कार्य को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिला। दरअसल कालपुल में झनकैया में लगभग 3 किलोमीटर के कार्य में ठेकेदार द्वारा डाली गई मिट्टी से सड़क का लेवल नहर के बराबर हो गया। तो वहीं इसको लेकर उप प्रधान का कहना है कि बरसात के समय जंगल सहित लोहिया हेड चोड़ा पानी काला पुल और सूखा पुल क्षेत्र का पानी तालाब में आता है, जबकि सड़क के दोनों साइड नहर और तालाब है, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहीं इस मामले में तहसीलदार यूसुफ अली ने संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही है। मैं जो सिंचाई विभाग की द्वारा कैनाल विभाग द्वारा यहाँ पर जो है काम करवाया जा रहा है काले पुल से लेकर झनकैया राइट हैंड साइड को, उसमें जो है जो तटबंध इनके द्वारा बनाया जा रहा है वो तटबंध जो पहले से मजबूत मिट्टी थी उसमें जो रोड जो बेस था इनका रोड जो मजबूत तरीके से रोड बनी थी उसको काट के इन्होंने एक डोला नहर के किनारे बना दिया, जिससे जो है वो चौड़ा जो तटबंध रोड जो एक तटबंध का काम करती थी वो बिल्कुल डाउन हो गया है। तालाब तलैया के बराबर बैठ गया है, वो मिट्टी नीचे बैठ गई है। आने वाले भविष्य में अगर तालाब में पानी बढ़ता है तो वो जो कम चौड़ा तटबंध इनके द्वारा बनाया गया वो नहर में समा जाएगा और पूरे गांव को खतरे की जद में आ सकता है। इसलिए जो है हम इस विकास कार्य तो होने चाहिए वो ठीक बात है, लेकिन इस तरीके से जो विकास कार्य किए जा रहे हैं यहाँ पर जो काम किया जा रहा है ये गलत है। इस अगर ये चलता रहा तो पूरे गाँव वाले एकत्र होकर हम लोग जो है इसके लिए जो है हम आंदोलन करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं ऋषिकेश के एम्स में कोविड-19 से पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 25 वर्षीय महिला जो कि करीब 15 दिनों से बीमार थी और दूसरा मृतक 26 वर्षीय युवक है जिसे बुखार की शिकायत के बाद एडमिट किया गया था। बाद में जांच की गई तो युवक में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद सांस की तकलीफ के चलते उस युवक ने दम तोड़ दिया। 24 घंटों में एम्स ऋषिकेश में 133 पेशेंट्स की स्क्रीनिंग हुई है। इनमें से हमने 113 लोगों के सैंपल्स लिए हैं और 369 सैंपल्स हमने कल प्रोसेस किए हैं। अगर कोविड में कंफर्म पेशेंट्स की बात की जाए तो 2 पेशेंट्स हमारे पास पिछले 24 घंटों में एडमिट हुए हैं, 4 पेशेंट्स को हम डिस्चार्ज कर पाए हैं और 2 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की मृत्यु पिछले 24 घंटे में हुई है। मरने वाले मरीजों में सर्वप्रथम एक 25 वर्षीय फीमेल है जो कि पुरकाजी मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। ये पेशेंट हमारे पास 1 जून को एडमिट हुई थी, इनको उल्टी और 10-15 दिनों से थे और पिछले 5 दिनों से इनको होश नहीं था।
पूरे देश में मॉनसून सक्रिय हो रहा है। बात करें दक्षिणी राज्यों की तो वहां पर भी मॉनसून की बरसात का असर दिखाई दिया और राजस्थान में भी अब मॉनसून की बरसात का असर दिखाई देने लगा है। हालांकि किसानों को यहां पर मॉनसून आने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन प्री मॉनसून की सक्रियता से किसान खेतों की सार संभाल करने में व्यस्त हो गए हैं। कई जगहों पर किसानों ने खेतों को तैयार करना शुरू कर दिया है और बुआई भी शुरू हो चुकी है। दक्षिण में मानसून के आने की या सक्रिय होने की आहट के साथ ही राजस्थान में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। प्री मानसून एक्टिविटी एक वो स्थिति होती है जिसमें कि मानसून आने के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। आकाश में बादलों का छाना है, ठंडी हवाओं का आना है या कि कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के ये जो संकेत मिलते हैं, किसान उनके आधार पर जो है अपने खेतों की ओर चल पड़ता है और वहाँ पर जो है वो अपने प्री मानसून एक्टिविटीज़ के दौरान होने वाले जो काम है खेत से जुड़े वो शुरू कर देता है। हमारे साथ में है रामपाल जाट साहब, है किसान नेता है, उनसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से किसान जो है तैयारी करता है प्री मानसून एक्टिविटीज़ को देख कर। रमेश जी, वैसे तो जेठ का महीना जो है जैसे ही आधा गुजरता है किसान अपनी खेती की तैयारी शुरू कर देता है। इस वर्ष आषाढ़ का महीना भी शुरू होने वाला है, जेठ का महीना पूरा होने वाला है और कई छोटे छोटे जगह बरसातें बौछारें ये आ चुकी है और जब ये शुरू हो जाता है तो सबसे पहले किसान काम करता है अपने खेत की सफाई का। इसलिए जो भी झाड़ झंकाड़ या पिछली फसल के ठूंट होते हैं उनको उखाड़ता है, उसको साफ करता है, उसके बाद में उस खेत में जोत लगाता है, जोत लगाकर उसको तैयार करता है। उसके साथ ही जहाँ खाद देना होता है गोबर का, वो गोबर का खाद बिखेरता है। गोबर का खाद बिखेरने के बाद में पहले तो कोड़ियों से उसको बिखेरते थे, आजकल ट्रैक्टर से बिखेरते हैं। ये काम निरंतर चलता रहता है और ये जो काम है मानसून के पहले का, इसी में ही मूंगफली, आपका कपास, इधर से बाजरा, मक्का, इनकी बुवाई शुरू भी हो गई। तो ये शुरू हो जाती है छोटे छोटे छींटों के साथ ही, तो जैसे ही बुवाई शुरू होती है फिर उनका अंकुरण शुरू हो जाएगा। तो ये प्री मानसून जो एक्टिविटीज है ये किसान के लिए महत्वपूर्ण है। और हम ये कहावत हमारे गांव में तो कि जो बंदर डाढ़ से चूक जाए वो गया काम से, जो किसान समय से चूक जाए वो गया काम से। इसलिए खेती की एक्टिविटी सही समय पर ही शुरू करनी होती है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि चलो दो दिन बाद कर लेंगे। इसलिए समय की अवधि में ही वो शुरू हो जाए तो ही किसान की खेती के लिए वो अच्छी मानी जाती है और अच्छी खेती के लिए किसान अपने घरवार को, बाल बच्चों को भूलकर भी इन सारी गतिविधियों में लिप्त रहता है। जिस तरह के मानसून के आने की संभावनाएं शुरू होती है, आहट शुरू होती है, एक तरह से लगता है कि इस बार जो प्रिडिक्शंस उभर करके सामने आया और मौसम विभाग लगातार इस बात को भी संकेत कर रहा है कि इस बार जो है अच्छे मानसून की उम्मीद जताई जा रही है। और अच्छा मानसून जब आता है तो किसानों के लिए एक नई उम्मीद और किरण उभर करके सामने आती है कि इस बार जमाना अच्छा होगा, फसलें अच्छी होगी और आने वाले जो उसका जो वक्त है वो खुशहाल भरा होगा। इसी उम्मीद में वह प्री मानसून एक्टिविटीज़ के दौरान काम काज शुरू कर देता है कि जमाना अच्छा आएगा तो घर परिवार में खुश और जो है एक अच्छा सा माहौल भी बना रहेगा। पुरोहित साहब, जैसे ये गतिविधियां शुरू होती है तो किसान की आंख इधर तो रहती है धरती पर, दूसरी तरफ उसकी आंख रहती है आसमान पर और आसमान में देखता रहता है बादल कब बरसेंगे। और इसके लिए अनेक तरह के उन्होंने अपने गांव स्तर पर, इलाके स्तर पर कई शगुन के लिए उन्होंने तय किए हुए हैं कि यदि टिहरी ने अंडे दूर दिए इसका मतलब बरसात अच्छी होगी, यदि अंडे नज़दीक दिए तो बरसात अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे पशु पक्षियों से भी किसान अनुमान लगाता रहता अनुमान मौसम का। इसके अतिरिक्त ये जो आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा आएगी इसको गाँव के गाँव अलग अलग जगह अपने अपने हिसाब से जाते हैं, हवा का रुख देखते हैं, हवा का रुख देख कर ये तय करते हैं कि साल मानसून कैसा होगा। और अभी जो मौसम विभाग है ये भी लगातार सक्रिय रहता है, इससे भी सहायता मिलती है। इसलिए इसके कारण भी किसानों के अनुमान होता रहता है
कि बरसात कैसी होगी। और अभी हिंदुस्तान की खेती 100 में से 60 बीघा वो बरसात पर ही निर्भर है, मानसून पर ही निर्भर है। इसलिए मानसून का झटका, ये किसान को झटका लगता है। मानसून जब अच्छा आता है तो किसान के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, तो मुस्कान लाने का काम होता है मानसून का। और जब झटका देता है तो कभी कभी आंखों में आंसू लाने का भी काम होता है मानसून का। इसलिए हमारा सारा सेटअप, सारी व्यवस्था खेती की, ये निर्भर है ऊपर वाले के ऊपर, बादलों के ऊपर, वो कब बरसे, किस ढंग से बरसे। तो अनावृष्टि भी नुकसान देती है, अतिवृष्टि भी नुकसान देती है। समय पे बरसात वह काम देती है और बेमौसम बरसात वो नुकसान देती है। ये सदा चलता रहता है। इसलिए कहते हैं खेती खुले आसमान के नीचे होने वाला काम है और सबसे ज़्यादा जोखिम भरा है। तो इससे ज़्यादा जोखिम किसी भी धंधे में नहीं है और इसको निश्चित समय पर ही शुरू करना पड़ता है, इसमें कोई अवकाश ले नहीं सकता। किसान वर्ग को लेकर के जिस तरह की जो बातें चल रही है, जो उनके सामने समस्याएं आ रही है और जो चुनौतियां उभर करके आ रही है, संभावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है जब मानसून अच्छा संकेत लेकर के आता है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। वहीं कोरोना को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रदेश भर में लोगों को लगातार जरूरतमंद लोगों के लिए मदद की जा रही है। तो वहीं विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी ने कहा कि अब जीवन पटरी पर लौट आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तत्वावधान में पिछले लगातार 64 दिनों से पूरे लॉकडाउन में पूरे राजस्थान में बेहतर कार्य किए गया। जैसे ही पता लगा 21-22 तारीख का जनता कर्फ्यू है, उसके बाद लगातार सडनली पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका था। हमने देखा कि लोग परेशान होना शुरू हुए, लोगों के पास राशन सामान, दाल, चीनी, घर का सामान ख़त्म होने लगा। अल्पसंख्यक विभाग ने सभी से निर्णय करके ये निर्णय किया कि पूरे राजस्थान में हम एक मुहिम चलाएंगे और उस मुहिम के तहत ये निर्णय किया गया कि जिस जिलों में जहाँ सूखे राशन की आवश्यकता होगी सूखा राशन, जहाँ किट की आवश्यकता होगी किट, जहाँ बना बना खाने की आवश्यकता होगी हम बांटेंगे। और ये ईश्वर का, अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा कि हमने जो पूरे लॉकडाउन में पर डे पूरे राजस्थान में एक दिन में कम से कम 70,000 पैकेट खाने के, पके पकाए खाने के बांटे और लगभग 5,000 किटों का वितरण डेली किया। ऑल ओवर हमने देखा कि पूरे 64 दिनों में हमने 30 से 35 लाख खाने के पैकेट और लगभग 1,00,000 से ऊपर किट पूरे राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के तत्वावधान में वितरित किए। तो वही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में पीड़ितों को हक दिलाने की मांग को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी, जिसमें बताया राज्य सरकार इन पीड़ितों के दर्द को समझे और साथ ही में केंद्र सरकार से भी बात करे ताकि कानूनी जांच तेजी से हो सके और इनको समय रहते न्याय मिल सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी में राजस्थान व अन्य राज्यों में कई खातेदारकों का पैसा सोसाइटी के संचालकों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई उसके बाद फंसे हुए हैं। ये जो खाताधारक है वो बहुत ही अल्प आय वाले हैं और इन लोगों के साथ आज स्थितियां बहुत खराब हुई हुई है। कोरोना के कारण जो इनकी छोटी बचत थी वो बचत फ्रीज होने के कारण आज उनकी परिवार और उनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर बहुत बड़ा संकट सा आया हुआ। इसलिए मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी लिखा है और केंद्र में भी ये मैंने बात रखी कि कोई ना कोई कानूनन तौर के ऊपर इन लोगों को कैसे हम लोग इनका संरक्षण कर सकते हैं। अब समय आया है, अपने को इसके बारे में नियम बनाना चाहिए। वहीं राजधानी जयपुर में लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे सड़कों पर अब ट्रैफिक भी आने लगा है और इसी को लेकर जयपुर पुलिस का मानना है कि अनलॉक वन में अपराध भी बढ़ सकते हैं, खासतौर पर चेन स्नैचिंग, छीना झपटी, वाहन चोरी की वारदातें। वहीं होने वाली वारदात को रोकने के लिए पहले से ही पुलिस ने कमर कस ली है। इसको लेकर जयपुर एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सीएसटी, डीएसटी टीम और उसके अलावा तमाम थाना पुलिस की स्पेशल टीमों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। लोगों का आवागमन बढ़ेगा तो अपराधों में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन पुलिस का तो काम यही है और हम लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। हम पहले से ही आगाह कर चुके हैं हमारे जाब्ते को, हमारी टीमों को, एसएचओज को, अधिकारियों को, सबको
कि भाई जो ही लॉकडाउन खुलेगा अपराध बढ़ने की संभावना रहेगी, अतः आप अभी से अपनी पूरी तैयारी रखें। और आपने देखा होगा हम लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, पिछले 10 दिनों में ही हमने कई मर्डर हुए, उन मर्डर्स को हमने सब में 100% सफलता प्राप्त की, हर एक मर्डर के मुलजिमों को हमने पकड़ा है। इसके अलावा हमने वाहन चोरी, चैन स्नेचिंग, इस तरह के गिरोह हमने पकड़े। अभी मोहना मंडी में 10-12 लाख की चोरी हुई थी, उसके मुलजिम हमने पकड़े हैं। इसी तरह से जयपुर ग्रामीण इलाके में हमने कुछ वांटेड क्रिमिनल्स हैं, एक जयपुर ग्रामीण में वांटेड था, एक सीकर में वांटेड था, एक अलवर में वांटेड था, हमारी टीम ने पकड़ के दिए। तो हमारी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। राजू ठेठ गिरोह यहाँ पर आया था, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा प्रवास के दूसरे दिन भी शक्तिनगर स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की गई और इस दौरान लोगों की संख्या भी काफी कम थी। लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं उन्हें सुनाई, जिस पर ओम बिरला ने समाधान का आश्वासन दिया। राजधानी जयपुर की पुलिस अब और ज्यादा हाईटेक हो गई है। ड्रोन के माध्यम से पुलिस जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में नजरें बनाए रखेगी, खासतौर पर तंगलियों और ऐसे इलाके जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती, उन इलाकों में भी जयपुर पुलिस ड्रोन के माध्यम से अपनी नजर बनाकर रखेगी। जयपुर एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लामा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से हाई क्वालिटी ड्रोन मिले हैं। मुख्यालय द्वारा हमें कुछ हाई क्वालिटी ड्रोन उपलब्ध कराए हैं प्रत्येक जिले को एक, और उनके संबंध में जो उनको ऑपरेट करेंगे उन हमारे कॉन्स्टेबल्स का भी ट्रेनिंग हुआ है। ये हाई क्वालिटी ड्रोन हैं जो लंबे डिस्टेंस तक जा सकते हैं। हम कंट्रोल रूम में बैठे हुए ही यहीं से हमारा ड्रोन ऑपरेटर पूरे जयपुर शहर को कवर कर सकता है, पूरे जयपुर शहर को लाइव देखा जा सकता है। और इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि वो यहीं से बैठ करके, कंट्रोल रूम से बैठ करके ही ड्रोन से आप घर की छत पे रखा हुआ। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर का दावा करने वाली जयपुर की पुलिस कैसे रसूखदारों के सामने नतमस्तक होती है, इसकी एक बानगी झोटवाड़ा थाने में देखने को मिली। 2 महीने पहले युवतियों से छेड़खानी की वारदात की एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते रसूखदार आरोपी खुलेआम घूम रहे और युवतियों पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। घर पे भी वो लोग रात के 11-11 बजे कभी 1:30 बजे आके मुझे कंटिन्यू फोन पे फोन कर रहे हैं और घर के बाहर निकल के बोलते हैं कि या तो तुम घर के बाहर निकलो वरना हमें मजबूरन अंदर आना पड़ेगा। तथ्य मुझे भी ध्यान में आया है, काफी ये मुकदमा पुराना है और उन्होंने इस तरह के आरोप इसमें लगाए हैं। मेरी SHO से बात हुई है, जो भी इसमें तथ्य परख होगा, जो भी चीज सही होगी उसके आधार पर इसमें कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आरोप और भी कई तरह के लगाए हैं कि ये ऑनलाइन सट्टा करते हैं, ये करते हैं। उन सभी पहलुओं पर जांच करके जो भी बेस्ट होगा वो कार्रवाई करें। छेड़खानी करने के बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद मैं दूसरी जगह ज्वाइन करी तो वहाँ से मेरे को धमकी आने लग गई कि वहाँ से छोड़ो और हमारे वापस यहाँ पर ज्वाइन करो, क्योंकि उनको डर है कि उनके जो काले धंधे थे उनका राज में खोलना दूँ किसी और के पास। क्या काम करते थे, किस तरीके की आपको ली? ऑनलाइन बेटिंग का था, जो 2 नंबर का काम होता है, और वहाँ पे और भी गलत काम होते थे जिनका हमको पता नहीं है। कौन है आरोपी? कौन? उमेश राज शेखावत। एक उनके मित्री बताया जा रहे हैं, सुमित अग्रवाल। सुमित अग्रवाल उनके साथी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।